आगे बढ़ते खबर रायपुर से जहां नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बयान दिया है बंसल न्यूज पर बातचीत की और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि सीएम बघेल तक कश्मीर फाइल्स फिल्म फिल्म देखने पर उन्होंने कहा है कि फिल्म को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है फिल्म को लेकर सीएम भूपेश के बयान पर पलटवार किया और कहा कि सीएम भूपेश की तो आदत है केंद्र पर हर चीज का आरोप लगाने की मैं तो सीएम को धन्यवाद दूंगा कम से कम उन्होंने फिल्म की आधी सच्चाई को तो स्वीकार किया द कश्मीर फाइल्स की चर्चा पूरे देश भर में है और जिस तरह से इसको लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रहा है एक और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है फिल्म देखने पहुँच रहे हैं तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कल अपने मंत्रिमंडल के सदस्य के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी के सदस्यों को भी आमंत्रित किया था लेकिन कोई भी नहीं आया इस विषय पर नेता प्रतिपक्ष धर्म कौशिक से बात करेंगे आखिर इस फिल्म को लेकर सियासत क्यों हो रहा है देखिए फिल्म के जो लोकप्रियता है न केवल हमारे यहाँ बल्कि पूरे हिंदुस्तान में माँ संतोषी एक फिल्म हम लोगों ने बचपन में देखा था और उसका जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड से आगे बढ़ने का काम कश्मीर फाइल्स ने किया है तो ये स्वाभाविक रूप से लोगों के बीच में उसकी लोकप्रियता है सियासत की नहीं है हमने कहा कल कि इसमें टैक्स फ्री करना चाहिए हिंदुस्तान के बहुत सारे प्रदेशों ने टैक्स फ्री किया है मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आप, आप सब लोगों को आमंत्रित करते हैं और पिक्चर जाएंगे देखने के लिए हम लोगों ने कहा कि जब टैक्स फ्री आप कर देंगे तो हम आपके साथ जाने को तैयार हैं हम तो अपने पैसा दे करके चले जाएंगे छत्तीसगढ़ की जनता देखना चाहती है टैक्स फ्री उनके लिए चाहिए लेकिन मुख्यमंत्री जी टैक्स फ्री करने के बजाय केंद्र के ऊपर जैसा उनका स्वभाव और आदत में है आरोप लगाना इसके पहले चपाक में और बाकी फिल्मों में भी वो किए हैं तो इसमें करने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है और लेकिन उनका जो अड़ियल रवैया है हमारे जो जो शर्त रखे और हम लोगों ने कहा वास्तविक में उसका लाभ जनता को मिलती छत्तीसगढ़ के अब ये मानते हैं कि वो फिल्म में जो भी दिखाया है वो पूरी सच्चाई क्योंकि सीएम तो कह रहे हैं कि आधी सच्चाई देखिए मैंने पिक्चर देखा नहीं है लेकिन उसकी जो लोकप्रियता है और जो लोग देख रहे हैं तथ्य से परे नहीं है यथार्थ था है और इसलिए सब लोग उसको देख रहे हैं मैं भी देखने के लिए जाऊंगा कार्यकर्ताओं के साथ में तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मंद्र कौशिक का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री ने कम से कम आधी सच्चाई को तो स्वीकार किया कि फिल्म में आधी सच्चाई दिखाई गई है और कौशिक जी भी जो है फिल्म देखने जाएंगे उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं से फिल्म देखने जाएंगे कैमरा पर्सन कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ मैं कुलेश्वर पांडे बंसा न्यूज़ रायपुर